जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री को 10 दफा संबंध गया मगर संबंध पे ईडी के पास नहीं गया, मजबूरन ईडी को उसको वहां बुलाकर पकड़कर जेल भेजना पड़ा। अब इसकी तैयारी है, केजरीवाल पकौड़ा है। ऐसा कुछ नहीं भाई, चोर की सजा देखो, उसे जेल जाना पड़ेगा। हेमंत सुरेज का है, मनीष सिसोदिया का है, संजय सिंह का है, सही सबकी जेल में जगह है, तो इसे भी जेल में जाना पड़ेगा। केजरीवाल एक्चुअली बच रहे हैं, केजरीवाल को तुरंत ईडी के सामने पहुंचना चाहिए और अपने आप को दिखाना चाहिए। अगर वो ईमानदार हैं तो ईडी के सामने से क्यों बच रहे हैं जाने से, इसका मतलब साफ है कि वो बेईमान है। भगोड़ा है, भगोड़ा है, केजरीवाल भगोड़ा है। देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार समान आ चुका है। और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री है और एक आम आदमी को भी एक बार में जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री आखिर ऐसा क्या कारण है जो नहीं जाना चाहते? देख सकते हैं आप, यहाँ पूरा प्रचंड प्रदर्शन जो है वो इस समय चल रहा है। और इस समय आईटीओ पर हम मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से थोड़ी ही दूरी पर। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं इस प्रदर्शन में, जो प्रदर्शन मुख्यतः आम आदमी पार्टी सरकार के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे आप, पांचवी बार समन दिया गया, 2 नवंबर 17 दिसंबर, उसके बाद 2 जनवरी 17 जनवरी, अब 2 फरवरी, पांचों बार नहीं गए केजरीवाल। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री को 10 दफा संबंध गया मगर संबंध पे ईडी के पास नहीं गया, मजबूरन ईडी को उसको वहां बुलाकर पकड़कर जेल भेजना पड़ा। अब इसकी तैयारी है, जो इसने घोटाले करे हैं और इस घोटाले में अगर ये कट्टर ईमानदार होता, ये ईडी के पास पहले जाता, अपनी वहां पर जांच कराता, मगर ये डर रहा है, चोर है, ये घोटाले कर चुका है, इसलिए ये वहां जेल नहीं जा रहा और इसको जेल जाना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे यहाँ पर, वो तो कह रहे हैं कि 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है इसीलिए मेरे पीछे लगा दिया ईडी को। ऐसा कुछ नहीं भाई, चोर की सजा देखो, उसे जेल जाना पड़ेगा। हेमंत सुरेश का है, मनीष सिसोदिया का है, संजय सिंह का है, सही सबकी जेल में जगह है, तो इसे भी जेल में जाना पड़ेगा। हर हाल में चोर को तो जेल में जाना पड़ेगा, चोर को रोटी खानी पड़ेगी। बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी मुझे जान पूछ करके जेल में डाल रही है, बीजेपी डर गई है। ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसका जो काम है वो करेगा, कोर्ट में हम तो नहीं बैठे। इसके सारे घोटाले हैं, एक हर कदम पे घोटाले, केजरीवाल के हर कदम पे घोटाले, उसने बेवकूफ बनाया पब्लिक का। सर क्या कहेंगे, पांचवी बार बुलाया आईडी ने, गए नहीं केजरीवाल उनके पास? केजरीवाल एक्चुअली बच रहे हैं, केजरीवाल को तुरंत ईडी के सामने पहुंचना चाहिए और अपने आप को दिखाना चाहिए। अगर वो ईमानदार हैं तो ईडी के सामने से क्यों बच रहे हैं जाने से, इसका मतलब साफ है कि वो बेईमान है, उनके दिल में चोर है, उन्होंने घोटाला किया है, उनकी पूरी सरकार घोटाले की है, उनके सारे मंत्री घोटाले कर रहे हैं। अच्छा, ये भी अपडेट आया कि हो सकता है पहले वो पत्नी को सीएम बना दें उसके बाद ईडी के समक्ष जाए। नहीं, उनको सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, जब क्लियर हो जाए तब उसके बाद देखें। आप भी और भी यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप यहाँ पर? केजरीवाल वो तो इधर तो प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, लेकिन ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे। देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार समन आ चुका है। और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री है और एक आम आदमी को भी एक बार में जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री आखिर ऐसा क्या कारण है जो नहीं जाना चाहते? डेट आ रहा, अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं? नहीं, देखिए वो उनका निजी फैसला है, लेकिन अभी जो मेन जो उनकी जिम्मेदारी है वो ईडी का जांच सहयोग करने में है। और हमारे देश का जो कानून है वो सर्वोपरि है, हर सामान्य नागरिक को भी उसका सहयोग करना चाहिए। तो ये तो मुख्यमंत्री हैं, इनको वैसी जिम्मेदारी बनती है पूरी। पांचवी बार समन दिया गया और पांचवी बार भी ईडी के सामने नहीं गए हैं केजरीवाल। लाए कोई ढूंढ के लाए, केजरीवाल को ढूंढ के लाए, पांच पांच बार देने के बाद भी अगर ये आम आदमी है, आम आदमी की बात करते हैं तो क्यों नहीं ईडी के सामने आ रहे हैं? कितना बड़ा घोटाला है, हम तो पूरी दिल्ली को बताने आए हैं कि केजरीवाल भगोड़ा है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल को जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देर पहले मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा खुलासा किया है कि मेरी आप नेता से बात हुई है, उनका कहना है कि केजरीवाल पहले अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे, फिर हो सकता है ईडी के सामने जाए। ये
आम आदमी की सरकार की बात करते थे, अब पत्नी कहां से आ गई? यही आम आदमी की सरकार है। पहले खुद बैठेंगे नहीं तो पत्नी को बैठेंगे, पत्नी जेल जाएगी तो बेटी बैठेगी। ये परिवार की पार्टी है क्या? ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली की जनता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के लोग लड़ेंगे। केजरीवाल जेल भी जाएंगे, भागने कितना भाग सकते हैं, कितना भाग सकते भागेंगे। केजरीवाल भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है, केजरीवाल भगोड़ा है, भगोड़ा है, केजरीवाल भगोड़ा है, भगोड़ा है। क्या कहेंगे? ये कहा है मनजिंदर सिंह सिरसा ने कि हो सकता है पहले पत्नी को सीएम बनाए फिर ईडी के सामने जाए केजरीवाल। ये कहते थे कि हम लोग परिवारवाद नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि किस तरीके से सीट का जो लालसा है इनके अंदर कितना कूट कूट के भरा हुआ है कि मैं नहीं तो मेरी बीवी सही। और हमारे अध्यक्ष जी ने सही कहा कि बेटी को बिठा देंगे या किसी को भी। तो ये केजरीवाल जी को, जनता को समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़े भगोड़े हैं, बहुत बड़े चोर हैं। केजरीवाल चोर है, चोर है, पर चोर है। केजरीवाल चोर है, चोर है, पर चोर है। केजरीवाल चोर है, चोर है, पर चोर है। तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हम मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचंड प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है किया जा रहा है। आपको बता दें पांचवी बार समन दिया गया ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को और पांचवी बार जो है आम आदमी पार्टी ने मना किया है, इस समन को जो है अनलॉफुल बताया है और फिर से केजरीवाल जो है वो ईडी के समक्ष पेश होने नहीं जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको बता दे, मनजिंदर सिंह सिरसा उनकी तरफ से अभी अपडेट आया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता ने यह बताया है कि ईडी के सामने पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग इस समय सामने आ रही है और देख सकते हैं आप इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय से थोड़ी दूरी पर इस समय जो है दिल्ली बीजेपी के जो हजारों कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ, जो शराब घोटाले में लगातार दिल्ली सरकार फंसती जा रही है उनके खिलाफ जो है वो यहाँ पर प्रचंड प्रदर्शन निकाल रहे हैं। पहले भी लगातार पिछले डेढ़ साल से ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है और अब पांचवी बार आज बुलाया गया लेकिन मना कर दिया यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने और यहाँ पर नहीं जाएंगे। देख सकते हैं इस समय जो है लगातार नारेबाजी चल रही है। समय प्रचंड प्रदर्शन इस समय दिल्ली में बीजेपी की तरफ से जो है वो यहां पर आयोजित किया गया है। आज बुलाया गया था पांचवी बार अरविंद केजरीवाल को लेकिन आज भी जो है वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। ये पांचवी बार ऐसा था जब समन दिया गया लेकिन उसके बावजूद ईडी के समक्ष जो है पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। बात रखिए मनोज त्यागी।